अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, तो दो टर्म आएंगे यहाँ पे, हमने दो यूनिट भी ओपन किए हैं, एक एएस का आएगा एक इंडियस का आएगा, ठीक है ना। इंडियस को देखते हैं पहले, एएस को समझो। आप ये कहा जाता है बेसिकली कि जो भी हमें यहाँ पे ना, और भी ज्यादा बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने वाली चीज है नहीं, सुनो जरा। इंडियस का बेसिकली मतलब क्या और एएस का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप कह लो कि ओल्डेस्ट स्टैंडर्ड्स है, पुराना स्टैंडर्ड है जो कि इंडिया में फॉलो होता है, इंडिया में, वर्ल्ड नहीं, इंडिया में फॉलो होता है। काय के लिए? अकाउंटिंग करने के लिए। अकाउंटिंग सेम स्टैंडर्ड में फॉलो हो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं आपके? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आपके जो कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो है 30, ठीक है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कौन बनाता है? वो आपको जो मतलब एक तरीके से मैनेज करता है वो कौन करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये मैनेज करता है या उसको मतलब एक तरीके से प्रस्तुत करता है किसके सामने? गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट उसको सही समझती है तो उसको क्या देती है? अप्रूवल की, हाँ जी ये जो हो गया ये मैंडेटरी है सबके लिए। और जिन पे गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती वो क्या होता है? रिकमेंडेटरी होता है सबके लिए। दो फर्क है, एक हो गया कि सपोज करो ICAI ने, सपोज के एक्चुअल है ICAI ने 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पेश किए, तो भैया ये 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 30 अलग अलग एरियाज के जो कि हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए इंडिया में। गवर्नमेंट ने उसके अंदर से 27 के ऊपर अपनी क्या दे रखी है? अप्रूवल। 27 जिस पे अप्रूवल दे दी, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये तो आपको मैंडेटरी इन नेचर है कि फॉलो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर आप इन चीजों से डील करोगे तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। बाकी जो 3 है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दी वो क्या बन गया? रिकमेंडेटरी इन नेचर, कि आप अगर उन चीजों से रिलेटेड काम करते हो तो चाहो तो फॉलो कर लो, क्योंकि ICAI कहता है तो गलत तो कह ही रहा होगा, और नहीं अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो वो कर लो, कोई मैंडेटरी नहीं है आपके ऊपर, कोई बंदिश नहीं, ठीक है। तो कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास? 27 जो कि मैंडेटरी इन नेचर है। 3 जो है उसकी बात ही नहीं होती क्योंकि वो रिकमेंडेटरी है, तो उसकी चर्चा नहीं है, आपके वहां पे दे भी नहीं रखा आपके स्टडी मटेरियल में उन 3 के बारे में। सिर्फ मेरी सुन ले थोड़ी सी भाई, ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये सारे हैं सिक्वेंस में 1 से लेके कितने तक? 32 तक। 32 में से क्या हुआ? मैंने कहा कि टोटल 32 थे, 2 ऐसे थे जो कि विड्रॉ कर लिए गए, मतलब कितने बचे? 30। 30 में से 3 को क्या नहीं मिली? अप्रूवल नहीं मिली, तो कुल काम के कितने बचे? 27। आज के टाइम पे जो एक्टिव है वो कितने हैं? 27 AS है जो फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। अब AS और AS है क्यों, क्यों बनाएगा? तो एक सिंपल सा एक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है स्टैंडर्डाइज करने के लिए। मतलब कि भैया अगर एक इंडिया एक कंट्री के अंदर कोई बंदा अकाउंटिंग कर रहा है और दूसरा बंदा अकाउंटिंग कर रहा है, दोनों अपने अपने तरीके से करेंगे, तो जो उसके यूजर्स होते हैं, आपने पढ़ा है ना यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो जो यूजर्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आएगी। अगर पढ़ा लिखा यूजर्स है भैया, कोई अलग काम कर रहा है कोई अलग काम कर रहा है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ के बैठे हो तो किसी की भी बैलेंस शीट उठा के देख लोगे तो आपको एक जैसा लगता है, फॉर्मेटिंग एक जैसी लगती है, अप्लीकेशन जो है कॉन्सेप्ट का वो एक जैसा लगता है, तो आप समझ पाते हो, अदरवाइज यूजर के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा और वो एक मिक्स कॉन्सेप्ट बन जाएगा जो कि नहीं चाहता कोई भी कंट्री। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भैया स्टैंडर्ड वे में काम हो ताकि यूजर्स को अच्छे से वो समझ में आए। इसके लिए वो क्या लेके आते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कुछ एक एरियाज हैं, ये ओवरऑल सारी चीजों को तो कवर करता नहीं है, ये 27 बातों में पूरा अकाउंट्स तो कवर हो नहीं जाएगा ना, पर जितना ये कवर करता है उन्हें लगता है भैया ये वो एरियाज है जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसपे की एक जैसा ही सबको काम करना चाहिए, ठीक है। अब ICAI और भी कुछ काम करता है, और क्या काम करता है कि जितने AS हो गए AS हो गए उसके अलावा इन्होंने कुछ चीजें और निकाल रखी जिनको बोलते हैं गाइडेंस नोट्स। मतलब कि कुछ एक और छोटे 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 टॉपिक्स या एरियाज है जहां पे उन्हें लगता है कि भैया लोगों को समझ में दिक्कत होगी, तो उन्होंने एक उसके लिए क्या निकाल दिया है? सुझाव, एक तरीके से कि भैया इस तरीके से काम करो, दिस इज द गाइडेंस जो कि कौन देता है आपका? ICAI देता है, ठीक है, कि इन इन एरियाज में आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो, उन चीजों में भी नहीं जाना, ठीक है। AS क्या है समझ में आ गया? रूल्स एंड रेगुलेशंस है बेसिकली जो कि अकाउंटिंग करते हुए आपको फॉलो करने पड़ते हैं मैंडेटरली, क्योंकि ये इम्पोज किए गए हैं बाय लॉ बाय गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों किया गया ये पता लग गया भैया आपको कि सबका काम एक समान हो, एक समान डिस्क्लोजर हो, ये बेसिकली कुछ चीजें भी हैं, रिकग्निशन ऑफ इमिनेंट ट्रांजेक्शंस हो, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स हो, प्रेजेंटेशन हो सके उसका और एट द एंड डिस्क्लोजर हो सके, ठीक है। अब AS कौन कौन से हैं? देखो AS जितने भी है ना आपको, आपके लिए यूनिट दिया गया है बस ऐसे ही, बस ऐसे ही का मतलब कि अगर एग्जाम में से पूछा जाएगा तो सिर्फ दो सवाल बनते हैं कि व्हाट इज AS एंड व्हाई AS, AS क्या होता है और AS की क्यों जरूरत है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, बस ये सवाल आ सकता है। AS के नाम आपको याद करने के लिए नहीं आएंगे ऐसा ये किताब कह रहा है, पर
मेरे हिसाब से AS आपको ना आगे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, आगे मतलब आपके जीवन में AS भर के आएंगे, सारे आएंगे। तो आप थोड़े बहुत नाम जो मैं सेलेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ उसको याद रखो तो अच्छी बात है, ठीक है जी। ये लिस्ट है आपकी, AS1 इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मैं कुछ एक टिक कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसको आपको याद रखना चाहिए। बाकी यह है कि नीचे इसमें लिखा हुआ है कि एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है आपका। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इंपॉर्टेंट है, AS3 आपने सुना है बचपन से कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें से ये दो AS तो आपने खूब सारे सुने हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि AS इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप कैश फ्लो का चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर अगर AS की रेफरेंस दे दो तो बड़ा प्यारा इंप्रेस पड़ता है। इन्वेंट्री का चैप्टर आपके इसमें है बकायदा, तो जब आप वहां पे कहीं थ्योरी में लिख दोगे एज पर AS2 बड़ा अच्छा लगेगा, तो पता होना चाहिए कि AS2 इन्वेंट्री का ही, ठीक। देन फिर AS4 है, ये आपके लिए जरूरत नहीं है। AS5 है, इसमें आपके लिए जरूरत नहीं है, रिवाइज फॉर्म में है। AS6 पहले हुआ करता था डेप्रिशिएशन का, अगर बचपन में याद हो आपने डेप्रिशिएशन का चैप्टर पढ़ा था तो टीचर्स बोला करते थे बेटा AS6 हम डेप्रिशिएशन पढ़ते हैं, ये सारी बातें होती है वगैरह वगैरह, ठीक है, हमने भी क्लास में चर्चा की हुई है। बट अब ये विड्रॉ हो गया, विड्रॉ होने का मतलब क्या है कि जो AS6 है वो मर्ज हो गया किसके साथ, AS6 की बातें जो है वो AS10 में आ गई। AS10 पहले हुआ करता था क्या, टेंजिबल एसेट्स, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, टेंजिबल एसेट, अब उसका नाम चेंज करके क्या हो गया, PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंपॉर्टेंट है AS10 भी आपको याद रखना। AS7 इज ऑल्सो गुड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना चाहिए। AS8 फिर जा चुका, ये किसी से मर्ज नहीं हुआ बेसिकली। AS26 होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स का, तो इसके 7 इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं है, जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वाले काम होते हैं जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो फील्ड में एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं वो किस AS को फॉलो करेंगे, AS7 को फॉलो करेंगे, ठीक है। AS8 जो है वो मर्ज हुआ AS26 से, बेसिकली यहाँ पे बात होती थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट जब इंप्लीमेंट होता है तो उससे पहले उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फेज होता है, तो कहीं ना कहीं वो इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो एक इंटेंजिबल एसेट का ऑलरेडी एक AS है आपका AS26, तो AS8 को उसमें जाके मर्ज कर दिया था, बहुत पहले की बात है। हाँ जी, वो भी उसमें आता है, AS26 में आता है। AS9 is also काम का revenue recognition, AS10 मैंने बताई थी property plant and equipment, AS11 इतना काम का अभी आपको याद करने लायक नहीं है, वैसे तो important है ये भी कि effects of change in foreign exchange rates का मतलब क्या होता है, इस AS में कैसी वैसी बातें हैं, इसमें ऐसी बात है कि जो foreign exchange के rates होते हैं वो fluctuate करते रहते हैं, डॉलर का प्राइस बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है, उससे क्या इफेक्ट आता है, इफेक्ट का मतलब क्या है कि आप जो बिजनेस करते हो वो फॉरेन्स में भी करते हो, आपके जो डेटर्स क्रेडिटर्स हैं वो डॉलर्स में भी हैं, तो अगर करेंसी रेट चेंज होता है तो उसमें भी फ्लक्चुएशन आता है कि आपकी पेबल बढ़ भी जाती है, कई बार घट भी जाती है, कई बार आपका लॉस भी होता है, कई बार आपका प्रॉफिट भी होता है, तो उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसकी बातें कौन बताता है, AS11। अगला आता है आपका AS12। AS12 कहता है गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब क्या है कि कई बार आप कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देती है, ग्रांट्स वगैरह देती है, मॉनेटरी हेल्प या नॉन मॉनेटरी हेल्प, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो कौन बताता है, AS13 क्या है फिर आपका, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कैसे रिकॉग्नाइज होगा, कैसे उसकी ट्रीटमेंट होगी, वो सारी बातें किसमें आती है, 13 में। AS14 फिर आता है आपका अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि अगर जो कुछ कंपनियां आपस में मर्ज होकर एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है उसको बोलते हैं क्या, अमलगमेशन। ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, ए कंपनी और बी कंपनी मिल गए बन गए AB कंपनी, तो ये क्या है, एक प्रकार का अमलगमेशन। तो जब आप ऐसा कुछ करोगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो कौन बताता है आपका, 15 आता है फिर आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट। एम्प्लॉयज बेनिफिट का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज को हम सैलरीज वगैरह देते हैं, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह होते हैं, PF वगैरह देते हैं, इस सबकी जो चीजें उनको प्रोवाइड की जाती है, ग्रेचुटी वगैरह दी जाती है, तो इसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगी उसकी बातें किसमें आती है, AS15 में। AS16 हो गया बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट इस मतलब कि जो आप लोन लेते हो उस पर आप इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो, यही बोरिंग कॉस्ट है, ठीक है ना। तो इस बोरिंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट कैसे होगी अकाउंट्स में, ये बताता है कौन, AS16। 17 आता है आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब क्या होगा कि जब एक बिजनेस ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रहा होता है तो वो अपनी रिपोर्टिंग ना सेगमेंट वाइज लेता है, लाइक नॉर्थ जोन की रिपोर्टिंग अलग आएगी, साउथ जोन की अलग आएगी, इस तरीके से ले सकता है, ठीक है, या चार सिटीज हैं इनकी रिपोर्टिंग अलग आएगी, तो जिस भी तरीके से सेगमेंट वाइज वो रिपोर्टिंग ले रहा है वो क्या है आपका, उस अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनाना, वो कौन डील करता है, AS17। AS18 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, मतलब क्या है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो कई बार उसके चाचा भतीजा मामा ताऊ मिले जुले लोगों से भी वो काम करते हैं मिलके, लाइक परचेज कर लिया किसी और कंपनी से जो कंपनी किसकी थी, भाई की थी, परचेज कर लिया किसी और कंपनी से जो कंपनी किसकी थी, पापा की थी,
तो इस टाइप के अगर कोई काम करते हो आप, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि पूरे साल के दौरान आपने कितना अपने रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन किए हैं। तो उसको डिस्क्लोज करना किसमें आता है आपका, AS 18 में। AS 19 इज इम्पॉर्टेंट, जो कहता है लीज। लीज का मतलब भाई भाड़ा। तो इसमें दो टाइप की लीज होती है कि आपकी ऑपरेटिंग लीज अलग है और फाइनेंशियल लीज अलग है। तो वो क्या होती है ऑपरेटिंग, क्या होती है फाइनेंशियल, क्या उसकी ट्रीटमेंट होती है, वो सारी बातें किसमें आती है, लीज के अंदर। इंपॉर्टेंट ऐसे नाम वाइज भी याद रखना जरूरी है। AS 20 इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब क्या है कि आप अर्निंग्स कैसे निकालते हो। आपने रेशियो वगैरह देखा ना, EPS, EBIT वगैरह बनता है, उसके बाद जो एंड में EPS एक निकल के आता है, उस अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन थोड़ी अलग भी होती है। तो उसकी सारी बातें किसके अंदर है आपकी, AS 20 के अंदर है कि अर्निंग पर शेयर किस प्रकार से निकाला जाएगा। 21 आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किस बारे में बात करता है कि अगर एक कंपनीज है होल्डिंग, और एक आपने वर्ड सुना सब्सिडियरी, मतलब कि मेरी एक कंपनी है और मैं किसी और कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स परचेस कर लूँ या कुछ भी शेयर्स का अंश परचेस कर लूँ, तो मेरी सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है। मान लो मेरी एक कंपनी है, मैंने एक और कंपनी खोल रखी है, वह 90% के मेरे शेयर्स हैं कंपनी के, तो मैं क्या कहलाऊंगा, होल्डिंग कंपनी। दूसरी कंपनी क्या कहलाएगी, सब्सिडियरी कंपनी। तो ऐसा एक रूल है कि जब आप एट द एंड अपना बैलेंस शीट बनाओगे तो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, मतलब अपनी बैलेंस शीट में उस बैलेंस शीट का 90% एरिया मर्ज करोगे, क्योंकि वहां भी तो मार्क लिखा आप ही हो, और तब एक बैलेंस शीट तैयार करोगे, उसको बोलते हैं क्या, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसमें 90% है वो सब्सिडियरी है, छोटी कंपनी सब्सिडियरी कंपनी, जिसमें मेरे कुछ शेयर्स हैं और मैं खुद क्या हूँ होल्डिंग कंपनी, उसके लिए वो मेरे को क्या बोलेगा, होल्डिंग कंपनी, मैं उसको क्या बोलूंगा, सब्सिडियरी कंपनी। मेरी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है, वो तो मेरी है, उसमें तो मेरे शेयर्स हैं सारे। अब किसी और कंपनी में मैंने अगर 80% के शेयर्स खरीद लिए, तो वो कंपनी जो है वो मुझे क्या बुलाएगी, किस नाम से बुलाएगी, ये मेरी होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि इसने, वो छोटी कंपनी क्या बोल रही है कि इसने मेरे 80% शेयर होल्ड करके रखे हैं, तो वो उसको क्या नाम देता है, होल्डिंग कंपनी। और मैं जो होल्डिंग कंपनी हूं, मैं उसको क्या नाम बोलूंगा कि ये कौन है, ये मेरी सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है, नाम है मेरी जी, ठीक है। तो मैं जिसमें भी शेयर्स एक्वायर करता हूं वो मेरी सब्सिडियरी कंपनी है। आगे तो भी कुछ 25% से ऊपर तक होता है तो भी आपकी वो सब्सिडियरी का पार्ट होता है। 22 फिर आता है आपका अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम की, इनकम के ऊपर जो टैक्स वगैरह की बातें हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो 22 डील करता है। 23 है आपका कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन से रिलेटेड है कि मेरे सब्सिडियरी कंपनी भी होती है और मेरी एसोसिएट कंपनीज भी होती हैं, ठीक है, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आपको कंसोलिडेट करना होता है, मतलब मर्ज करना होता है, तो उसकी अकाउंटिंग की बातें इसके अंदर आती है। 24 डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर आप अपनी ऑपरेशन जो भी आपका काम था उसको बंद करने जा रहे हो तो अकाउंटिंग कैसे करोगे, क्लोज कर रहे हो अपनी फर्म को या अपनी कंपनी को, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो इसके अंदर आती है। AS 24। 25 कहता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपने सुना होगा कि जो कंपनीज होती हैं वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 3-3 महीने पे भी बनाती है, डिविडेंड देने के लिए या फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रेडी रखने के लिए वगैरह वगैरह। तो जो विदिन मतलब लेस देन 1 ईयर जो भी रिपोर्टिंग होगी वो क्या कहलाएगी, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो वो कौन बताता है आपका, AS 25। AS 26 किस बारे में, इंटेंजिबल एसेट्स, आपको भली बात ही पता है। 27 कहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर की चर्चा आपने सुनी है, उसकी रिपोर्टिंग वगैरह कैसे होगी, उसकी अकाउंटिंग वगैरह कैसे होगी, वो किसके बारे में आता है 27 में। 28 कहता है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब क्या है कि मेरा कोई एसेट है वो इंपेयर हो गया। इंपेयर का मतलब कि एसेट की वैल्यू 1,00,000 रुपए थी, आज के टाइम में मार्केट में पता लग रहा है ये 10,000 रुपए का बिक रहा है। एक होता है नॉर्मली फॉल करना, दैट इज डेप्रिसिएशन या प्रोविजन वगैरह आप बना लेते हो, बट लगता है कि बिल्कुल से फॉल कर गया, तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट को अपना 1,00,000 के ऊपर रख के चलोगे तो वो नेगेटिव इंपैक्ट दिखाता है कि भैया 1,00,000 रुपए का एसेट रखे बट एक्चुअल वैल्यू तो उसकी 10,000 रुपए की भी नहीं है। ये एग्जाम्पल है, करोड़ों का एसेट है, 1,00,000 की उसकी वैल्यू है, तो ये गलत रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहते हैं भैया जो जितने का है उसको उतने पे लेके आ जाओ, उसके लिए प्रोविजन तैयार करो। तो वो क्या कहलाता है आपका, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, मतलब अपने एसेट्स को इंपेयर करना। इंपेयर का मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आज के टाइम पे मार्केट में चल रही है उस पर लेके आना और उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना, उसकी अकाउंटिंग होगी, ट्रीटमेंट होगी, वो चर्चा कौन करता है आपका, AS 28। AS 29 है, ये वर्ड आपने सुना हुआ है, प्रोविजन कंटीजन एसेट्स एंड कंटीजन लाइबिलिटीज, इनके बारे में चर्चा कौन करता है, AS 29। तो ये कुल आपके AS है 29, जिसमें से कि 2 हट गए तो बचे कितने 27, जो 3 है ही नहीं काम के वो इसमें दे ही नहीं रखे। अब नोट देखो क्या लिखता है, The list of accounting standards given above does not form part of syllabus. It has been given here for the knowledge of students only. ठीक है, तो आपकी नॉलेज के लिए तो हमने नॉलेज के लिए शेयर कर लिया, जो काम का है वो लिस्ट नहीं है, बाकी चैप्टर है, बाकी चैप्टर में बसता ही क्या है, कुछ भी नहीं, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या और उसकी क्या जरूरतें हैं, क्यों है ये,
तो मैक्सिमम अगर आपका सवाल आएगा तो यही आएगा, जो कि बहुत इजी है। अब बसता है इंडियस, तो इंडियस अब नहीं कर रहे अभी, इंडियस अगली क्लास में कवर कर लेंगे। मेरे को बताना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में निपटाऊंगा तो कवर नहीं होगा, कंटेंट का फायदा।